नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको पिछले एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल सतना जिले की कोठी में अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शहीदों के नाम पर ही स्कूलों और अस्पतालों का नामकरण होना चाहिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता। ठाकुर रणमत सिंह के बलिदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जागीर बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। अगर ऐसा होता तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए जान हथेली पर लेकर टीकमगढ़ तक नहीं जाते। हम अमर शहीदों की आत्माओं को आश्वस्त करते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण कर उनके सपने साकार करेंगे। उन्होंने अमर शहीदों के जीवन परिचय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की जरूरत बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की शीश परंपरा से प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वीर गति को प्राप्त सैन्य जवानों के नाम पर स्कूल, पंचायत और अस्पतालों के नामकरण होने चाहिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में कक्षा 10वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन के लिए हम छू लेंगे आसमां योजना की शुरुआत की। पेश है एक रिपोर्ट। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी पढ़कर आगे बढ़ सके, इसके लिए मेधावी छात्र योजना शुरू की गई है। इस योजना में 12वीं की परीक्षा में 70% से अधिक अंक लाने पर उच्च शिक्षा की फीस राज्य सरकार भरती है। गौरतलब है कि इस साल 1,12,625 विद्यार्थी 12वीं में 70% से अधिक अंक लेकर आए हैं। JEE परीक्षा में 1.5 लाख रैंक तक के विद्यार्थियों की फीस भी राज्य सरकार भरेगी। उधर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद इसमें असफल हुए परीक्षार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना का प्रावधान किया है। इसके लिए जून माह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश सरकार परीक्षार्थियों के लिए हर जिले में 5 करियर काउंसलर भी नियुक्त करेगी। इस बार विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चों को अपने भविष्य का रास्ता तय करने में मदद मिल सके। इसके लिए 70% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों के जिलेवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से ही हर जिले में 2-2 करियर काउंसलर उपलब्ध होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं दीपा सिंह। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले के ग्राम बरेठा में चलो पंचायत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बरेठा सहित आसपास के ग्राम पंचायतों को विकास की बड़ी सौगातें देने की घोषणा भी की। बता रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले लगभग 14 साल के दौरान मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। केवल ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 1,450 करोड़ लागत के काम चल रहे हैं, जिनमें करीबन 400 करोड़ रुपए की सड़कें शामिल हैं। चौपाल में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 2.5 एकड़ जमीन तक के सीमांत कृषक भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। इस साल लगभग 61,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 50% बेटियों की भर्ती की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरी देने के साथ साथ युवाओं को कौशल उन्नयन के जरिए भी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मौजूदा साल में 7.5 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। बुरहानपुर में वन विभाग से संबंधित विभिन्न विभागों की समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने विभागीय अधिकारियों की समस्याओं का निराकरण किया। बुरहानपुर से पेश है हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में वन विभाग से संबंधित विभिन्न विभागों की समस्याओं के निराकरण के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने बैठक में PHE, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिजली कंपनी, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विकास, ग्रामीण विकास, RES, राजस्व व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मौजूदगी में वन विभाग से समस्याओं पर चर्चा की। मंत्री चिटनिस ने हितग्राहीमूलक योजनाओं व निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वन विभाग से संबंधित वनाधिकार पट्टों के वितरण को लेकर कई ग्रामीणों ने शिकायतें की थी। मंत्री ने वन विभाग को इन सभी आवेदनों की जांच व निराकरण के निर्देश दिए।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार भाविस्कर की रिपोर्ट। बुंदेलखंड की निवासी जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए अब राजधानी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कल से दमोह के पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे दमोह संवाददाता। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में ही अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ कल सांसद प्रहलाद पटेल और प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल से सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदक आवेदन जमा करना शुरू कर सकते हैं। विभाग ने आज सुबह 11 बजे से पासपोर्ट के लिए 5 अपॉइंटमेंट वेबसाइट पर खोल दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 23 मई से कुल 50 अपॉइंटमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। हालांकि अभी पासपोर्ट बनवाने की सुविधा मात्र दमोह जिले के निवासियों को दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही पूरे बुंदेलखंड के लोग इस सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। अब बात महिलाओं की। शिवपुरी में महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सैनिटरी पैड को बनाने और बाजार भाव से कम दाम में बेचने का कार्य शुरू किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। शिवपुरी जिले में ग्रामीण आजीविका महिला समूह की महिलाएं ब्रांडेड कंपनियों से सस्ते सैनिटरी पैड बेचकर अपनी गृहस्थी चला रही हैं। जिले में 55 समूह की करीब 370 महिलाएं सैनिटरी पैड बनाने का काम कर रही हैं। इन सैनिटरी पैड बनाने के काम के दौरान ग्रामीण आजीविका समूह की इन महिलाओं को अच्छा खासा फायदा हो रहा है और इससे इन महिलाओं की आय में भी वृद्धि हुई है। जिले में महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने की यह योजना रोजगार दिलाने का सशक्त माध्यम बनी है। साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर महिला व युवतियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। आजीविका मिशन से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि इस काम को हर गांव तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सके। अधिकारियों ने बताया है कि सैनिटरी पैड की अच्छी मार्केटिंग पर जोर दिया जा रहा है। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग को भी सैनिटरी पैड सप्लाई की जा रही है। साथ ही अब छात्रावासों और स्कूलों में भी इसकी सप्लाई की योजना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। और अब बात शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की। राज्य शासन द्वारा महाविद्यालयों को हाईटेक करने के प्रयास जारी। इसका लाभ जल्द ही नीमच महाविद्यालय को भी मिलने वाला है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता। नीमच कॉलेज में 12 कक्षों के निर्माण तथा अन्य सुविधाओं के लिए राशि मांगी थी, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्तरीय योजना अंतर्गत 3,55,00,000 रूपए मंजूर किए। इस राशि से महाविद्यालय का सुदृढ़ीकरण और सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। इस राशि से आधुनिक कक्ष, आधुनिक सुविधाएं, नेट सिस्टम, प्रयोगशाला आदि का निर्माण किया जाएगा। समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड के दुर्गम क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। निजी स्कूलों की तरह अब इन विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल जाने के लिए बस सुविधा शुरू की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बड़वानी संवाददाता। शासन के पायलट प्रोजेक्ट की योजना में मध्य प्रदेश के 20 विकास खंडों का चयन किया गया है, जिनमें बड़वानी जिले का पाटी विकास खंड भी शामिल है। आगामी सत्र में विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर अधिकारियों को एक बैठक आयोजित की गई। योजना के तहत स्कूल से 5 किलोमीटर दूर के बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु विकास खंड के 6 हाई स्कूल व 4 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 21 रूट चार्ट बनाए गए हैं। इस योजना का प्रेजेंटेशन अधिकारियों द्वारा भोपाल में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। आगरमालवा के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सड़क हादसे के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इस आंकड़े को कम किया जा सके। इसी पर पेश है हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा की रिपोर्ट। तेज रफ्तार, लापरवाही पूर्वक नशा करके वाहन चलाने तथा यातायात नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण आगरमालवा जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए ऑडियो संदेश के माध्यम से तो लोगों को जागरूक करने का कार्य किया ही जा रहा है। वहीं आगरमालवा के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह भी प्रतिदिन शाम के समय गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से रूबरू होकर ग्रामीणों को वाहन चलाने में बरतने वाली सावधानियों को बता रहे हैं। हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं जिले में पारदर्शी कानून व्यवस्था लागू करने वाले पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह। मैंने अध्ययन किया पूरे जिले का, तो 2017 में 78 लोगों की मृत्यु हुई थी और 319 प्रकरण केवल पंजीबद्ध हुए थे एक्सीडेंट के।
काफ़ी समीक्षा करने के बाद हमने पाया कि जितने एक्सीडेंट शहरी क्षेत्रों में हो रहे हैं उससे अधिक एक्सीडेंट ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। तो मुझे लगा कि हम शहरों में तो काम कर लेते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में काम करने के लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इसके लिए मैंने अवेयरनेस का कार्यक्रम सोचा और सभी गाँवों में प्रायः प्रत्येक दिन 2 या 3 गाँव में मैं स्वतः जाता हूँ, अपने पुलिस स्टाफ के जो भेजता हूँ उसके अलावा, और गाँव में जा करके ऑडियो के माध्यम से खुद लोगों का चौपाल लगा करके लोगों में डाटा के आधार पर जागृत करने का प्रयास करता हूँ। इस मुहिम से मुझे एक और फ़ायदा मिला है। फ़ायदा ये मिला है कि लोगों से के बीच में पुलिस का भरोसा जीतने के लिए और पुलिस की जो पारदर्शिता हो वो कायम रहे, इसमें भी हमको बहुत हद तक सफलता मिल रही है और एक कम्युनिटी पुलिसिंग करने में हमको बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है, जिसके कारण हमको पिछले साल की तुलना करें अपन 2016, 17 और 18 की, हम 4.5-15 मई तक की बात, जिसकी समीक्षा में हमने पाया है कि 20% अपराधों की कमी हमारे ज़िले में 4.5 माह के अंतर्गत हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी में सिर्फ धूप की तपन ही लोगों को परेशान नहीं करती बल्कि जल संकट भी जनजीवन को प्रभावित करता है। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा खंडवा में जिला स्तरीय कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे खंडवा संवाददाता। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा खंडवा में जिला स्तरीय कॉल सेंटर व नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07-33-222-3292 है। यह कॉल सेंटर ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित रहेगा। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कॉल सेंटर प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों को पंजी में दर्ज करें तथा निराकरण हेतु संबंधित स्टाफ को तुरंत समस्या ग्रस्त क्षेत्र में भिजवाकर पेयजल समस्या का निराकरण करवाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। वहीं गुना जिले में पड़ रही गर्मी और जल की कमी को देखते हुए गुना कलेक्टर विजय दत्ता ने शासकीय कार्यालयों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। बता रहे हैं हमारे गुना संवाददाता। गुना जिले में पड़ रही गर्मी और जल की कमी को देखते हुए गुना जिलाधीश विजय दत्ता ने शासकीय कार्यालयों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। वर्षा ऋतु में होने वाली बारिश के पानी का संग्रहण नहीं करने के कारण जल स्तर की कमी की वजह से नलकूप सूखने एवं पेयजल समस्या उत्पन्न होने की संभावना के निराकरण हेतु अपने अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ विकास खंड तहसील कार्यालय के शासकीय भवनों पर 25 मई 2018 के पूर्व रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण स्वयं के विभागीय मद से पूर्ण कराने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आगामी वर्षा ऋतु में होने वाली बारिश के पानी का संग्रहण किया जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। भीषण गर्मी के बावजूद शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। पिछले दिनों उमरिया कलेक्टर माल सिंह मालपुर जनपद के आधा दर्जन ग्राम पनपथा, चंसुरा, पलझा, भोलगढ़, झाल और चंदवार का सघन भ्रमण कर पेड़ों के नीचे तपती धूप में चौपाल लगाकर नागरिकों की समस्याएं सुनने के साथ उनका मौके से निराकरण भी किया। उन्होंने ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत शौचालय निर्माण, मातृ वंदना योजना और असंगठित मजदूरों के पंजीयन से होने वाले लाभों की जानकारी दी। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उमरिया जिले में अब तक 26,797 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। जिले में 62,609 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 33,427 आवेदन भरे गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के जनपदों को 14,606 आवास निर्माण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिनमें 12,975 आवास बनकर तैयार हो गए हैं और इन पक्के घरों में हितग्राही रहने लगे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन परितोष दीक्षित और दीपा सिंह, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।